हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं हूं मनीष चौधरी और आप देख रहे हैं मनीष इंटरटेन ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में दो ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जानेंगे जो कि अभी इंडिया में हाल ही में लॉन्च हुए हैं, और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कौन सा फ़ोन किसके लिए ज़्यादा बेहतर है, कौन सा गेमिंग के लिए बेहतर है और कौन सा यूट्यूबर्स के लिए बेहतर है, इन दोनों की पूरी डिटेल्स हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी क्योंकि इन दोनों फ़ोन्स के बीच में हम कंपेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ। वो दोनों फ़ोन हैं फ्रेंड्स, ओप्पो रेनो 4 प्रो और एक है Realme 7 प्रो। ये दोनों हाल ही में इंडिया में लॉन्च हुए हैं। तो चलिए, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चलते हैं और देखते हैं कौन फ़ोन कौन सा बेहतर है। लेकिन उनसे पहले मैं एक बात ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही अलग अलग जो भी फ़ोन नया इंडिया में आते हैं या फिर जो भी फ़ोन लॉन्च हो चुके हैं उनके बारे में हम इस पर कंपेयर करते हैं और नए नए वीडियो ऐसे ही बना करके लाते रहते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए, हम चल के उन दोनों फोन्स के बारे में देखते हैं कि कौन किस एरिया में ज़्यादा बेहतरीन है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कुछ जनरल बातें रेनो 4 प्रो के बारे में, तो ये ओप्पो का ब्रांड है, मॉडल है इसका रेनो 4 प्रो और ये इसका रिलीज डेट है 31 जुलाई 2020, यानी कि ये इंडिया में ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है। अगर बात करें इसके वेट की तो 160 ग्राम का है, यानी कि थोड़ा सा हैवी है। 160 ग्राम का फ़ोन है, थोड़ा सा हैवी है। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो फास्ट चार्जिंग है, 4000 mAh की हैवी बैटरी है, यानी कि बैटरी के मामले में भी ये फ़ोन बहुत ही बेहतरीन है। और ये देख सकते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। वहीं अगर बात करें रियलमी 7 प्रो की, तो रियलमी 7 प्रो जो है इसका रिलीज डेट है 3 सितंबर 2020, यानी कि ये भी इंडिया में ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। अगर वेट की बात करें तो 182 ग्राम, यानी कि ये रेनो 4 प्रो को ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस पड़ा है। 4500 mAh के साथ ही इसकी भी बैटरी हैवी चार्जिंग है और बहुत अच्छी इसकी भी बैटरी कैपेसिटी है। बात करते हैं डिस्प्ले की, तो इसमें आप देख सकते हैं रेनो 4 प्रो की स्क्रीन साइज है 6.50 इंच, जो कि एक बहुत ही अच्छी साइज है स्क्रीन की। रिसोल्यूशन की बात करें तो 1080x2400 pixels, जो कि एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, बिल्कुल HD क्वालिटी। एस्पेक्ट रेशियो 20:9 और पिक्सल पर इंच की बात करें तो 402 है इसका, यानी कि रिसोल्यूशन के साथ साथ इसका स्क्रीन साइज भी काफ़ी बड़ा है। और 6.50 इंच का स्क्रीन साइज काफ़ी मायने रखता है, ये छोटा मोटा चीज़ नहीं है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी बात है रेनो 4 प्रो की। अगर बात करें रियलमी 7 प्रो की, तो इसकी भी साइज़ है 6.40 इंच, यानी कि यहाँ पे देखिए आपको 0.10 थोड़ा सा इसका साइज जो है स्क्रीन का साइज़ रेनो 4 की अपेक्षा थोड़ा सा छोटा है। रिसोल्यूशन की बात करें तो इसका भी सेम रिसोल्यूशन है और एस्पेक्ट रेशियो भी बिल्कुल ओप्पो रेनो 4 की तरह सेम है। इसमें डिस्प्ले में थोड़ा सा डिफरेंस पड़ा है रेनो 4 की अपेक्षा, थोड़ा सा इसको छोटा इसका डिस्प्ले है, लेकिन इसे कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रख सकता है। इस मायने में थोड़ा सा ओप्पो रेनो 4 प्रो जो है इससे बेहतरीन है थोड़ा सा, चूँकि उसका स्क्रीन इसकी अपेक्षा बड़ा है फ्रेंड्स। और इसमें आप देख सकते हैं 6.40 इंच का थोड़ा सा छोटा है। अगर हम बात करें हार्डवेयर सिस्टम की, तो रेनो 4 प्रो का प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो बिल्कुल क्वालम स्नैपड्रैगन 720G, जो कि एक दर्शाता है गेमिंग चैनल के लिए सबसे बेहतरीन फ़ोन है ये। आप देख सकते हैं इसका 8GB रैम के साथ इंटरनल 128GB है और एक्सपेंडेबल अप टू माइक्रो SD कार्ड है, यानी कि गेमिंग के लिए प्रोसेसर इसका सबसे बेहतरीन है स्नैपड्रैगन, जो कि गेमिंग के मामला में एक बहुत ही भयंकर जो है माना जाता है और बहुत ही बेहतरीन माना जाता है प्रोसेसर हर तरफ की अगर मान करके चले तो। यानी कि आपको सजेशन दिया जाए तो आप गेमिंग के लिए रेनो 4 प्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से आप इसको कर सकते हैं, लेकिन रियल मी भी इससे कम नहीं है। चलिए हम आगे देखते हैं रियल मी का इसकी अपेक्षा में कितना उसका बेहतरीन वो कैपेसिटी आती है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पर रियल मी का भी बिल्कुल वैसा ही ऑक्टाकोर प्रोसेसर तो है, लेकिन उसका भी स्नैपड्रैगन है, लेकिन डिफरेंस देखिए यहाँ पे हल्का सा आप
बहुत छोटा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है, जिसमें इसका भी 8 GB रैम है, इंटरनल 128 GB है। इस मामले में दोनों फ़ोन सेम है, लेकिन गेमिंग के लिए ये थोड़ा सा लूज़ है। रेनो 4 प्रो के आगे थोड़ा सा लूज है, क्योंकि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं बैटरी के मामले में ये फ़ोन थोड़ा रेनो 4 प्रो से बेहतर है। फ्रेंड्स ये फ़ोन जो है, चूँकि प्रोसेसर तो इन दोनों फ़ोन का एक ही है, लेकिन बैटरी के मामले में ये रियलमी 7 प्रो जो है ये रेनो 4 प्रो को मात दे रहा है। यानी कि गेमिंग के लिए आपके लिए सबसे बेहतरीन फ़ोन आप है, इसका इस्तेमाल आप बिल्कुल भी कर सकते हैं गेमिंग के लिए। और रही बात वीडियोज़ के लिए, तो वीडियो के लिए आप रेनो 4 प्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास यूट्यूब चैनल है तो। अगर बात करें हम इन दोनों फ़ोनों की कैमरे की, तो आप देख सकते हैं रेनो 4 प्रो का कैमरा आप देख सकते हैं बिल्कुल 48 MP 8 और 2 MP का इसका कैमरा है, और फ्रंट कैमरा देख सकते हैं 32 MP है। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ समझ में आती है फ्रेंड्स कि इसका जो रियर कैमरा 48 MP का है, तो कैमरे के मामले में ये फ़ोन काफ़ी बेहतरीन है, और 48 8 2 2 ये काफ़ी अच्छा है। रियर कोड का जो इसमें कैमरा दिया गया है, ये एक सबसे अलग इसको दर्शा रहा है, जिसमें इसका फ्रंट कैमरा भी आप देख सकते हैं 32 MP के साथ f/2.4 इसमें जो दिया है वो दर्शाता है कि फ़ोन की बिल्कुल HD क्वालिटी है। यानी कि आप इससे फोटोग्राफी करने का ये सबसे बेहतरीन फ़ोन है, आप फोटोग्राफी इससे कर सकते हैं या फिर और भी वीडियो वगैरह आप इससे बना सकते हैं, क्योंकि इस मामले में इस फ़ोन का टक्कर फ़िलहाल में तो किसी से नहीं है। चलिए देखते हैं इसमें रियलमी का क्या, इसके सामने उसका क्या फ़र्क पड़ता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं रियलमी फ़ोन का, आप देख सकते हैं ये फ़ोन थोड़ा उससे हैवी है। देखिए इसका रियर कैमरा जो है 64 MP का है, 64 8 2 2 देख सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि रियलमी जो है कैमरे के मामले में रेनो 4 से थोड़ा सा अधिक है, और ये उससे थोड़ा सा कैमरा में बेहतरीन है। यानी कि वीडियो बनाने के लिए आप रेनो 4 प्रो की जगह पे आप रियलमी 7 का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये कैमरे के मामले में उसे बेहतरीन है। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसका फ्रंट कैमरा भी है 32 MP का, जिसमें आपको मिलता है रियर ऑटो फोकस फ्लैश। यानी कि आपको रियर कैमरे के साथ साथ एक फ्लैश भी मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ये अक्सर सभी फ़ोन में नहीं आता फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिसमें कि रेनो 4 प्रो में भी आपका फ्रंट फ्लैश नहीं है, और भी जो भी कैमरे वाले हैं उनका फ्लैश बहुत कम आता है। यानी कि इस मामले में रियलमी 7 प्रो ज़्यादा बेहतर है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो रेनो 4 प्रो का ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड वर्जन 10 का है, जो कि लेटेस्ट वर्जन है और काफ़ी अच्छा है। हेडफोन की बात करें तो 3.5 mm का है, और देखिए यहाँ पे एक चीज़ इसमें आपको अलग दिखाई दे रही होगी, सिम स्लॉट 1 और 2 में आप इसका 3G 4G LTE मोड के साथ 5G भी इसको यूज कर सकते हैं। 5G वाला ये फ़ोन काफ़ी बेहतरीन है। सेंसर में देखें तो फेस लॉक के साथ साथ फिंगरप्रिंट भी आपको रेनो 4 प्रो में मिलेगा। तो यहाँ पे एक बात सबसे अलग है कि इसमें आप देख सकते हैं 5G फ़ोन है इसका आप बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं, और अभी तक 5G फ़ोन में सबसे बेहतरीन ये फ़ोन है। तो 5G के लिए अच्छा है, क्यों, चूँकि इसमें 4G LTE भी है और उसमें 5G इसको सबसे अलग बनाता है। और सेंसर में आप देख ही सकते हैं फेस लॉक के साथ फिंगरप्रिंट भी आया हुआ है, जिसमें एंड्रॉयड वर्जन 10 का लेटेस्ट वर्जन इस फ़ोन का सॉफ्टवेयर है। वहीं पर कनेक्टिविटी की बात करें तो देख सकते हैं रियलमी 7 प्रो का वाईफाई ब्लूटूथ के साथ USB भी है। हेडफोन में इसका भी सेम है 3.5 mm, जबकि इसमें देखिए छोटा सा डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा फ्रेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3G 4G LTE इसमें यूज कर सकते हैं, यानी कि 5G यूज इस फ़ोन में नहीं कर सकते हैं रियलमी 7 प्रो में। इससे पता चलता है कि जो है रेनो 4 प्रो जो है इस मामले में कनेक्टिविटी के मामले में इसको मात दे रहा है। यानी कि रियलमी 7 प्रो जो है फीका पड़ रहा है रेनो 4 प्रो की अपेक्षा इसमें। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इन दोनों फ़ोन की इन्फॉर्मेशन, उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा।